हाँ तो यार झूठ मत बोलना, सही कह रहा हूँ ना कि कभी जापानीज एनिमे तो फिर कभी किसी मूवी या फिर एनिमेशन को देखकर तुमने भी कभी सोचा होगा एक बार दिला दे। मेरा मतलब है कि तुमने भी कभी सोचा होगा कि यार मुझे भी ऐसा एनिमेशन बनाना है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ यार कि मेरे इस चैनल पे आप लोग बहुत सारे ऐसे भी हो जिनके दिमाग में आइडियाज और क्रिएटिविटी की रंबलिंग हो रही है। Subjects of email. लेकिन इतने सारे आइडियाज के होने के बाद भी जब कभी आप एनिमेशन सीखने के बारे में सोचते हो तो हर बार आपके सामने बस दो ही ऑप्शन आते हैं, एक तो वो लंबे लंबे कंफ्यूजिंग ऑनलाइन आर्टिकल्स और दूसरे कुछ एनिमेशन इंस्टीट्यूट की एड्स। एंड यार एज अ स्टूडेंट हमारे पास इंस्टीट्यूट के पैसे तो कहां से आएंगे, और आर्टिकल पढ़ने बैठो तो दिमाग हो जाता है सुस्त, और इसलिए एट द एंड सवाल सबके दिमाग में बस यही आता है कि अब भाई करें क्या। मतलब यार एनिमेशन के अंदर घुसा कैसे जाए, कैसे हम अपने आप बिना कोई पैसा लगाए खुद से एनिमेशन सीख सके ताकि कुछ सालों के बाद फाइनली हम अपने आइडियाज को क्रिएट कर पाए और पॉसिबली एक इंडियन एनिमेशन को बना पाए। बात तो सही है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि जिनको अगर तुमने सीरियसली फॉलो कर लिया ना तो यार तुम बड़े ही आराम से 3D एनिमेशन की फील्ड में बहुत ही ऑसम एंट्री ले सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या बात, ये बात है। तो सबसे पहले ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये बस एक तरीके की डायरेक्शन है जो तुम्हें सही स्टार्ट पे लगा सकती है, और इसीलिए अपने पीसी के ऊपर कोई भी ब्राउजर खोलो, गूगल पे जाके लिखो डाउनलोड ब्लेंडर, पहले लिंक पे क्लिक करो और अपने विंडोज या फिर मैक पीसी के हिसाब से सेटअप को डाउनलोड करो। उसके बाद थोड़ी देर इंस्टॉलिंग में टाइम लगेगा, तब तक जाके चाय कॉफी जो पीना है पी लो, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद जब तुम इसे पहली बार खोलोगे ना उसके बाद होगा असली काम और दिमाग हो सकता है गोल। तो चाय कॉफी अपनी सेट रखना। और अब शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो है और ब्लेंडर ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कोई पैसे वैसे दिए। मतलब यार खास कि तुम्हारा ये सोचना सही रहता, पर नहीं मेरे भाई, कोई प्रमोशन वाला सीन नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें ब्लेंडर सजेस्ट ही क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या फायदा। तो देखो यार बड़े ही बेसिक से दो रीजन है। सबसे पहले तो ये कि ब्लेंडर एक फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आप इसको डाउनलोड करके मूवी बनाओ या फिर हो पाए कुछ भी करो, ब्लेंडर आपके ऊपर पायरेसी का कोई भी केस नहीं करेगा। और सेकंड रीजन ये है कि क्योंकि ब्लेंडर फ्री टू यूज है इसलिए इसके अराउंड जो एक आर्टिस्टिक कम्युनिटी है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग और इतनी ज्यादा बड़ी है कि जंगल में पड़े किसी कीचड़ के गड्ढे से लेकर हाई डेफिनेशन साईफाई शॉर्ट फिल्म तक जो भी कुछ आपके दिमाग में आता है या फिर जो भी आपको सीखना है उसके ऊपर आपको भर भर के फ्री में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। क्योंकि यार सॉफ्टवेयर फ्री है तो फिर दुनिया भर के आर्टिस्ट बिना किसी डर के अपने काम को शेयर कर पाते हैं, और फाइनली एक दूसरे के काम को देखकर हर एक आर्टिस्ट लर्न और ग्रो कर पाता है। अब देखो यार 3D एनिमेशन के अंदर ना आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम बेसिक तरीके से इस बात को समझ लो कि 3D एनिमेशन के बस नाम में एनिमेशन है, लेकिन असल में ये फील्ड काफी सारे सेगमेंट्स या फिर एलिमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। नंबर वन, जिनमें से सबसे पहले होती है मॉडलिंग, और ये वाली मॉडलिंग वो रैंप वॉक वाली नहीं होती, बल्कि 3D एनिमेशन के अंदर मॉडलिंग का मतलब होता है कि किसी भी शेप को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक 3D सॉफ्टवेयर के व्यू पोर्ट के अंदर उसके टूल्स का यूज करके बनाना। जिसके बाद नंबर टू पे आती है टेक्सचरिंग, जिसे काफी सारे लोग शेडिंग भी बोलते हैं, और जैसे कि मेरे ख्याल से अभी तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि टेक्सचरिंग या फिर शेडिंग वाले पार्ट के अंदर जो काम होता है वो ये होता है कि मॉडलिंग वाले पार्ट के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई गन बनाई थी, तो फिर अब स्टेप नंबर टू में टेक्सचरिंग के अंदर उस गन के ऊपर उसको उसका कलर दिया जाएगा, कोई भी उसके ऊपर कोई डिटेलिंग होगी वो दी जाएगी, और उसके ऊपर एबनॉर्मलिटीज क्रिएट की जाएगी। इसके बाद नंबर थ्री पे आती है रिगिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बोन्स या फिर जॉइंट्स देना ताकि उन जॉइंट्स या फिर उन बोन्स का यूज करके बाद में आगे चलकर उसे एनिमेट किया जा सके। और बिल्कुल ठीक है यार, नंबर फोर पे आता है पार्ट एनिमेशन, जिसके अंदर वो जो आपने रिगिंग वाले पार्ट में जॉइंट्स या फिर बोन्स बनाई थी ना, एनिमेशन के अंदर अब उस कैरेक्टर की उन बोन्स का यूज करके उसे एनिमेट किया जाता है। जिसके बाद स्टेप नंबर 5 में आती है लाइटिंग, जिसमें आप किसी सीन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को स्टोरी के हिसाब से या फिर उसके मूड के हिसाब से लाइटिंग देते हो। और फाइनली ये सारा काम होने के बाद नंबर 6 पे आता है रेंडरिंग, जब आप उस सारे काम को फाइनली अपने पीसी में लगे ग्राफिक कार्ड या फिर सीपीयू की मदद से उसे रेंडर करके फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हो। तो यार आई होप कि यहां तक आप बिना किसी कंफ्यूजन के 3D एनिमेशन के इन सारे सेगमेंट्स को समझ चुके होंगे। और अब आ गया है जूसी पार्ट, जब तुम फाइनली अपना पहला स्टेप उठाओगे। तो अब बारी है पेन पेंसिल उठाओ, बैग से कोई एक्स्ट्रा कॉपी निकालो और यूट्यूब पे जाके लिखो ब्लेंडर गुरु डोनट। याद है मैंने कहा था कि क्योंकि ब्लेंडर फ्री है तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बहुत सारे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे ब्लेंडर आर्टिस्ट की पहली स्टार्ट यही डोनट सीरीज थी। मतलब आज मैं आपको लिख के देता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कभी कोई 3D सॉफ्टवेयर में काम किया है या फिर नहीं, आपको बस ब्लेंडर गुरु की ये डोनट वाली सीरीज को शुरू से एंड तक ढंग से देखना है। जो भी शॉर्टकट्स, जो भी सेटिंग या फिर जो भी कुछ वो बताए, एक एक चीज को पहले ढंग से देखना है, उसके साथ ही उसको कॉपी में लिखना है और तुरंत उसके सारे स्टेप्स को अपने खुद के पीसी में ब्लेंडर के ऊपर फॉलो करना है। और मैं सच कह रहा हूं यार कि अगर तुमने एक बार ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली ना तो आपको ब्लेंडर के सारे बेसिक कंट्रोल्स चलाने आ जाएंगे। बड़े ही आराम से आपको 3D एनिमेशन के मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडर वाले चार सेगमेंट्स की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन आपको ना यहां पर फिर रुकना नहीं है, एक बार तो तुम्हें ब्लेंडर गुरु के साथ साथ उनको फॉलो करना है, लेकिन उसके बाद फिर एटलीस्ट दो बार वो जो अपने आप से तुमने कॉपी में नोट्स बनाए थे ना, बस उनको यूज करके दो बार खुद से ब्लेंडर के अंदर डोनट बनाना है। और जब तुम्हें
लगे कि हाँ भाई मुझे अब बेसिक कंट्रोल्स चलाने आ गए हैं, उसके बाद इस बार तुम्हें ब्लेंडर गुरु की चेयर सीरीज को फॉलो करना है और ये वाली सीरीज तुम्हें थोड़ा सा बेसिक से आगे वाले लेवल पर पुश करेगी। और जब फाइनली तुम चेयर सीरीज को भी कंप्लीट कर लो तो इसके बाद अब तुम्हारा काम होगा यूट्यूब के ऊपर जाकर सीजी गीक नाम के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर तुम्हें जितनी भी ब्लेंडर की वीडियोस दिखे ना एक एक करके तुम्हें उन सब वीडियोस को फॉलो करना है, कॉपी के अंदर अपने नोट बनाने हैं, साथ ही साथ अपने ब्लेंडर में सीजी गीक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फाइनली उसके ट्यूटोरियल्स को बंद करके दो बार उन चीजों को खुद से रिक्रिएट करना है। 100% प्रैक्टिकल बात है दोस्त कि अगर तुमने ब्लेंडर गुरु की चेयर और डोनट सीरीज को फॉलो कर लिया और इसके साथ ही सीजी गीक वाली ब्लेंडर प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लिया ना, तो 2 से 3 महीनों के अंदर तुम बड़े ही आराम से ना सिर्फ ब्लेंडर के बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट कंट्रोल्स को समझ चुके होगी बल्कि अब तुम अपने आप से ही बड़े तगड़े तगड़े 3D मॉडल्स को बना पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा हाइप मत हो जाना क्योंकि यहाँ से शुरू होगी असली ट्रेनिंग, द सेल्फ प्रैक्टिस। और इसी वाले फेज के अंदर ना कई सारे बिगिनर आर्टिस्ट सबसे बड़ी गलती करते हैं एंड अगर तुमने भी वो गलती कर दी तो फिर यार 3D एनिमेशन को भूल जाना, क्योंकि वो गलती होगी इस पॉइंट के ऊपर अपने खुद के आइडियाज को क्रिएट करने के बारे में सोचना। मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के अंदर अभी तुम्हें बस बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं, तो ऐसे में मान लो कि अगर तुमने ये सोचा कि मैं अपने दिमाग में चल रहे आइडियाज को बनाने बैठूंगा तो भाई इस चीज के होने के ना पूरे चांसेस हैं कि तुम अपने आइडियाज को बना पाओगे नहीं और एट द एंड जाकर तुम डीमोटिवेट होकर प्रैक्टिस को ही करना छोड़ दोगे। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास इसका एक सलूशन है। प्रैक्टिस वाले फेज के अंदर ना तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को नहीं उठाना और भूल के भी इस पॉइंट के ऊपर अभी एनिमेशन या फिर रिगिंग के अंदर मत जाना क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इनको चालू करने से पहले तुम्हें इतना ब्लेंडर आ जाना चाहिए कि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडलिंग से लेकर टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड रेंडर वाले फेज तक अपने आप ले जा पाओ। तो सलूशन इस चीज का ये है यार कि प्रैक्टिस के लिए तुम जा सकते हो पिंटरेस्ट या फिर गूगल पे। वहां पे फॉर एग्जांपल तुम्हें लिखना है साईफाई गन या फिर साईफाई ड्रोन या फिर कोई हैंड ग्रेनेड, कोई कार, कैलकुलेटर, वाटर बॉटल या फिर कोई भी ऐसी बेसिक चीजें जिनको तुम प्रैक्टिस फेज के अंदर बड़े ही आराम से क्रिएट कर पाओ। तो कुल मिला के छोटे, लेस कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को बनाओ और अपने आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मॉडलिंग से लेकर रेंडर तक लेकर जाओ। और फाइनली जब तुम्हें खुद पे इतना भरोसा हो जाए कि पहले तो तुम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को उठाओ उन सबको तुम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा खुद से कंप्लीट कर पाओ और इसी के साथ सच में तुमने बहुत कुछ बना बना के देख लिया हो, तब जाके तुम्हारा अगला काम ये होगा कि अब तुम्हें बनाना है एक पूरा ही फुल फ्लैश्ड सीन। और जिसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि फिर से अपने यूट्यूब पे जाके लिखना ब्लेंडर इंटीरियर रूम ट्यूटोरियल्स और उसके बाद तुम जाकर लिखना ब्लेंडर एक्सटीरियर ट्यूटोरियल्स। एंड इसके साथ ही मुझे ये लगता है कि मुझे अब तुम्हें स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पॉइंट तक ना तुम अपने आप से ही खुद चूज कर पाओगे कि कौन से ट्यूटोरियल को आपको फॉलो करना है और किसके अंदर कितना टाइम लगेगा। और पता है यार मैं तुम्हें एक सीन सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक की जितनी भी प्रैक्टिस तुमने की होगी हो सकता है तुमने उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए हों लेकिन अभी भी ना वो सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट होंगे एंड अगर एक बार तुमने किसी फुल सीन को फाइनल तक बना लिया ना तो इससे तुम्हारे अंदर जनरेट होगा एक बहुत ही तगड़ा आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तुम मॉडलिंग से लेकर टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड रेंडरिंग के अंदर सही से हाथ बिठा चुके हो, तब जाके तुम्हें ऑर्गेनिक 3D मॉडलिंग के अंदर जाना है और इसके साथ ही रिगिंग और एनिमेशन के अंदर कूद जाना है। एट द एंड अगर तुम अपने इस सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में कहीं अटक जाओ तो किसी भी पॉइंट के अंदर ट्यूटोरियल्स को देखने में बिल्कुल भी शर्म मत करना। ये मत सोचना कि तुम ट्यूटोरियल्स को देखकर कोई चीट कर रहे हो। याद रखना मेरे दोस्त कि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है और किसी को भी हर चीज का ज्ञान नहीं है, तो अगर तुम्हारे अंदर सच में एनिमेशन की आर्ट को सीखने की वो आग है तो बस हमेशा अपनी सेल्फ प्रैक्टिस को करते रहना, बेसिक चीजों से शुरू करना। और फाइनली मैं सच में कह रहा हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो में बताए मेरे इस रोड मैप को फॉलो कर लिया ना तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 12 महीनों के अंदर अंदर तुम एक काफी बढ़िया इंटरमीडिएट 3D आर्टिस्ट बन सकते हो। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी याद रखना मेरे भाई कि इस काम को करने के लिए स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब को मत छोड़ना। सॉफ्टवेयर फ्री है, ट्यूटोरियल्स फ्री है, जवानी का टाइम है तो फिर फ्री माइंड से मजे लेके सीखो यार, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना और फ्री टाइम में जितना हो सके ट्यूटोरियल्स को देखो, ब्लेंडर के अंदर रिक्रिएट करो, नोट्स बनाओ और फिर से जाके दोबारा रिक्रिएट करो। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई कि अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करते रहे ना तो हिडन कैलिबर की गारंटी है यार कि आप बिना कोई पैसा खर्च किए एक 3D आर्टिस्ट बन सकते हो। और इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो के ऊपर अपने ओपिनियंस को कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।